आज का टॉपिक मिथिला के कर्नाट शासक, और यह टॉपिक बिहार एक परिचय बुक से लिया गया है। और अभी हम लोग बिहार के इतिहास में प्राचीन बिहार को पढ़ रहे हैं, और उसके अंतर्गत मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामपाल के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि मिथिला और तिरहुत के कर्नाट राज्य के संस्थापक कौन था, तो नन्नदेव इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिमरावगढ़। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश के पूर्णतः अंत हुआ, तो कर्नाट वंश के पूर्णतः अंत कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1378 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजी प्रबंध का विकास कर्नाट शासक के समय में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, तो यह तिरहुत कब आया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1234 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक नरसिंह देव का। अगला प्रश्न है कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था, धर्मास्वामिन और मुल्ला तकिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मास्वामिन और मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राम सिंह देव। अगला प्रश्न है कि कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरि सिंह देव। अगला प्रश्न है कि पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिसिंह देव के शासनकाल में।